किड्यान सपनों की उड़ान। राजू आत्मनिर्भर बन गया। लेखिका स्नेहा। राजू कक्षा 3 में पढ़ता था। कोविड-19 के कारण वह भी बाहर नहीं जा सकता था। उसे दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता था, पर अब वह क्या करे? वह परेशान हो गया। राजू ने एक दिन टीवी पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना। वह बोले, आत्मनिर्भर बनो। राजू समझ नहीं पाया कि आत्मनिर्भर मतलब क्या होगा। उसने पापा से पूछा। पापा ने बताया, बेटे आत्मनिर्भर मतलब अपने काम में सक्षम बनो और अपने काम स्वयं करो। राजू सोचने लगा, मैं कैसे आत्मनिर्भर बनूं? राजू ने सोचा, मैं मेरे काम खुद करूंगा तो आत्मनिर्भर बन जाऊंगा। उस दिन से राजू ने अपना कमरा खुद साफ करना शुरू किया। वह अपने सभी काम समय पर और जिम्मेदारी से करने लगा और वह माँ को भी रसोई में मदद करने लगा। उसने शरबत बनाना भी सीख लिया। अब राजू अपने काम खुद करने लगा है। अब वह घर बैठकर परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि वह आत्मनिर्भर जो बन गया है। प्यारे बच्चों, आप सब भी कोविड-19 के कारण बाहर नहीं जा रहे ना, और आप सब भी परेशान होंगे। आप सब लोग भी आत्मनिर्भर बने, पेंटिंग बनाए, म्यूजिक सीखे, अपने कमरे को खुद साफ करना सीखें और समय मिलने पर अपने माता पिता की मदद भी करें, उनसे कुछ नया सीखें। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किड्यान सपनों की उड़ान।